पाकिस्तान में फिर लौटेगा इमरान राज, या आम चुनाव में पीटीआई की होगी जीत? पाकिस्तान आम चुनाव में क्या पीटीआई ने बहुमत जीत हासिल की है? क्या फिर से इमरान खान राज करेंगे? पीटीआई अध्यक्ष ने सरकार बनाने का दावा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव, मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। बात कर लेते हैं उन सवालों पर जिनको लेकर आप भी सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान के आम चुनाव में पीटीआई ने बहुमत हासिल कर लिया है। दरअसल पाकिस्तान तारीख इंसाफ यानी पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति आरिफ अलवी उनकी पार्टी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देंगे, क्योंकि जियो न्यूज के मुताबिक नेशनल असेंबली में पीटीआई ने बहुमत हासिल कर लिया है। गौहर अली खान ने इस्लामाबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, संविधान और कानून के मुताबिक सरकार बनाएंगे। पीटीआई अध्यक्ष ने आगे कहा कि हम सभी फॉर्म 45 प्राप्त हो गए हैं, इसी के अनुसार सरकार बननी चाहिए। जनता की आवाज दबाने वाले लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां तक कि गौहर अली खान ने इंट्रा पार्टी चुनाव करने की भी बात कही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गौहर ने कहा कि वे अपने स्वतंत्र उम्मीदवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे अपने स्वतंत्र प्रशासन बनाएंगे और वे पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे। इस दौरान गौहर अली खान ने चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के 15 के अंदर पीटीआई इंट्रा पार्टी चुनाव की ओर बढ़ेगी। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान पर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। इमरान पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, ये उनका बयान है। अब आपको बता देते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। एआरवाई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के कुल 265 असेंबली निर्वाचन क्षेत्रों में से 257 सीटों के परिणाम घोषित किए गए हैं। 100 सीटों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार आगे हैं, इनमें से ज्यादातर पीटीआई समर्थित उम्मीदवार हैं। वहीं पीपीएलएम को 73 और पीपी को 54 सीटें मिली हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। पाकिस्तान चुनाव के हर एक अपडेट से जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी लाइव।